हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल के बारे में। तो मेरे पास एक डेटा है जो कि आप देख पा रहे हैं। अब इस डेटा को किसी और सीट पे या किसी और फाइल पे चाहिए होता है, लेकिन पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए होता। हमें इस डेटा में से कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, जैसे कि यहाँ सीट 3 पे आते हैं और यहां से मेरे पास की है। अगर मैं नो करूंगा सिलेक्ट, तो इसमें से सारे नो वाले डेटा यहाँ आएंगे। अगर मैं सिलेक्ट करूंगा यस, तो सारे यस वाले डेटा आएंगे। मतलब कि यहाँ जो मैनुअली हम लोग फिल्टर लगा के देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिल्टर तो इस रो डेटा पे लगता है ना, लेकिन मैं इस सेम काम किसी और सीट पे करना चाहता हूँ या किसी और फाइल पे करना चाहता हूँ। इसके लिए लगाना पड़ेगा मुझे फॉर्मूला, वो है फिल्टर का। यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला फिल्टर, और फिल्टर फॉर्मूला आपका लेटेस्ट एक्सेल में दिखेगा, पुराने एक्सेल में आपको नहीं दिखेगा। तो फिल्टर फॉर्मूला में गए, डेटा में गया और मैं अपना डेटा रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मैं अपना जो जिसमें मुझे की मैच करना है उसको सिलेक्ट करके इक्वल टू, और शीट 3 पे अपना की को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करते ही पूरा का पूरा डेटा आ गया। अब यहां से मैं यस एंड नो कर सकता हूँ। जी हाँ, यस एंड नो कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मुझे पूरा का पूरा डेटा कंपाइल करके चाहिए, या बहुत सारे अलग अलग शीट्स के डेटा है वहां से डेटा चाहिए, तो ये सारी चीजें भी की जा सकती है। उसके लिए हमें यूज सीखना पड़ेगा पावर क्यूरी। पावर क्यूरी सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा पूरा का पूरा एडवांस एक्सेल। अब एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो मेरी एक बैच शुरू हो रही है रात को 9 बजे 9 तारीख से, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। थैंक यू।